योर बॉडी अचीव्स व्हाट योर माइंड बिलीव्स। 2001 में दो पार्किंसन मरीजों के साथ एक शैम सर्जरी की गई। उसके अंदर उनके साथ क्या किया गया, दोनों के स्कल में होल किया गया जिसमें थ्योरेटिक एक डिवाइस डालना था, और एक के स्कल के अंदर वो डिवाइस डाला गया, दूसरे के अंदर वो डिवाइस नहीं डाला गया। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि दोनों की जो रिकवरी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो सर्जरी, जिसको शैम सर्जरी भी बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मरीज जो होता है उसको एक ऐसी दवाई दी जाती है जिसके अंदर एक्चुअली में मेडिसिन नहीं होती है, वो नॉर्मली कुछ होता है जिसके अंदर कोई एक्चुअल इलाज नहीं होता है, लेकिन उनके माइंड को बोला जाता है, उनको बार बार कन्विंस किया जाता है कि आपको ऐसी चीज दी जा रही है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और एक्चुअली में वो ठीक हो जाते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें हम इस पावर को समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर खुद को हील करने की पावर होती है, चाहे वो हमारी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। हिस्ट्री ये बताती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो, वो लोगों ने अपने माइंड की पावर से, अपने सबकॉन्शियस की पावर से उसको ठीक किया है। इसका मतलब यही है कि हमारी जो बॉडी है उसके जो एटम्स होते हैं, जो उसके अंदर ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारी चीज़ों में कैपेबिलिटी होती है अपनी पूरी बॉडी को खुद ब खुद हील करने की, प्रोवाइडेड हम उस चीज़ में भरोसा करते हों। अगर हमें उस चीज़ पर भरोसा है तो वो चीज़ अपने आप रिपेयर हो जाएगी। और आज की वीडियो इसीलिए बहुत खास होने वाली है, जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से अपनी बॉडी को कैसे रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर अबाउट इट, आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आप उसमें दी गई टिप्स को अपनाते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे अपनी हेल्थ के अंदर। मैं खुद उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का इस्तेमाल करके अपना वेट लॉस किया। रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने 2 महीने के अंदर अराउंड 10 किलो वेट मैंने इसमें रिड्यूस किया था, तो आप उस वीडियो को भी देखना। लेकिन ओवरऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, जो भी हम उसको बोलने वाले ना वो मानने वाला है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो यही कारण है कि हम अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट रिपेयर कर सकते हैं और सारे सॉल्यूशन हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर पाएंगे और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपने जो माइंड की पावर पर पूरा का पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस की जो पावर है उस पर पूरा का पूरा फेथ रखना पड़ेगा। हर चीज़ की शुरुआत फेथ से होती है, बिलीव से होती है। अगर आप किसी चीज़ में भरोसा करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने माइंड पर विश्वास है और आप इस बात को समझते हैं कि यस मेरे माइंड के अंदर वो सारी की सारी पावर है जिससे मैं अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकता हूं, अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम को हील कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर कर पाएंगे। तो पहला स्टेप सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन यहीं पर पहले स्टेप पर ही सबसे ज़्यादा लोग अटक जाते हैं, उनको भरोसा नहीं हो पाता। तो आपको ये भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है, अपने माइंड पर पूरा भरोसा है, सबकॉन्शियस की पावर पर पूरा भरोसा है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको इस चीज़ पर पूरा भरोसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना किसी भी चीज पर, वो नॉलेज से बढ़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ना प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी किताबें जो अवेलेबल है उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली जो हमारा माइंड है वो किसी भी चीज को हील कर सकता है। हमने भी अपने चैनल प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको भी जाकर जरूर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को बढ़ाओ अगर फेथ नहीं है तो, अदरवाइज स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप जो कि है पूरा का पूरा फेथ रखना कि आपके माइंड के ऊपर आपका पूरा भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो शुरुआत हो सके कि आप कुछ भी लाइफ में चीजें ठीक कर सकते हो, अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपको अपने आप को
वैसा विजुलाइज करना है जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओवरवेट हैं, अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी है, तो आप अपने आप को फिट देखना स्टार्ट कीजिए। महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल फिट होते जा रहे हैं या फिट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मान लेते हैं आपके आपके नीज में प्रॉब्लम है, आपके पैरों में दिक्कत है, तो अपने आप को दौड़ते हुए विजुलाइज कीजिए। अगर आपको सोने में दिक्कत आती है, स्लीप रिलेटेड कोई भी इशू है, तो अपने आप को सोते हुए विजुलाइज कीजिए। यानी कि आप वैसे अपने आप को विजुलाइज करना शुरू करें जैसे आप अल्टीमेटली अपने आप को देखना चाहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका जो व्यू है, जो आपका विजन है, वो अपने बारे में क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। एग्जैक्टली आप क्या देखना चाहते हैं अपने अंदर, क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या ठीक करना चाहते हैं, और वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, अगर आप उसको व्यू कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये स्टेप टू है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको विजुअलाइज करना, उसको देखना, उस स्टेट को महसूस करना कि आप जब फिट हो जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये स्टेप नंबर टू है, जो कि बहुत क्रूशियल है। थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना है, वो है अफर्मेशन फॉर्म करनी है। आपको सेल्फ अफर्मेशन फॉर्म करनी है, सेल्फ लव अफर्मेशन फॉर्म करनी है, जिसमें आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, अपनी बॉडी से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, जैसे कि आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम रनिंग मैराथन। आप कोई भी अफर्मेशन, शॉर्ट अफर्मेशन अपने लिए फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर सकें। और जब आप इसको, जो अफर्मेशन है, उनको फॉर्म कर लेते हैं, तो आप उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप उसको सुबह उठकर 10 बार लिख सकते हैं, आप उसको 369 फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार उसी स्टेटमेंट को, और रात को 9 बार भी लिख सकते हैं। आप 10x3 कर सकते हैं, आप 555 कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सिर्फ क्या कीजिए, मान लीजिए 2 या 3 अफर्मेशन आप लिखते हैं, उनको 10-10 बार आप हर रोज सुबह उठते ही आप उन चीजों को लिखिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। जो भी बदलाव आप महसूस करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, आई एम हैविंग कंफर्टेबल स्लीप, आई एम रनिंग, आई एम वेरी वेरी हेल्दी, जो भी चीज आप अपने आप को, जैसे जो चीज आप अल्टीमेटली चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप अपनी अफर्मेशंस को फॉर्म कीजिए अपने अकॉर्डिंग। ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं और मिरर में खुद को देखकर ये बातें बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम थर्ड स्टेप में क्या है, उन अफर्मेशंस को फॉर्म करना। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको डेली मेडिटेशन की हैबिट को बिल्ड करना होगा। याद रखिए, मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे सबकॉन्शियस से है। तो मेडिटेशन अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में ले आते हैं, तो आपके लिए विजुलाइजेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी थॉट प्रोसेस में, पॉजिटिव थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेसिबो में भी या सबकॉन्शियस जो आपके आपकी बॉडी को रिपेयर कर रहा है, उसको पॉजिटिव इंप्रेशन जरूर चाहिए ना, उनको पॉजिटिविटी चाहिए। अगर आप नेगेटिव थॉट होगा, डाउट होगा, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने लगता है, आपको स्ट्रेस नहीं रहता। स्ट्रेस, अगर जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, घबराहट है, नेगेटिविटी है, ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट विथड्रॉ होने लगती है, आपकी बॉडी से निकलने लगती है। तो वहां पर आपको ये फायदा मिलता है, मेडिटेशन करने के बाद आपका अपनी पूरी सेंसेस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो मेडिटेशन आप शुरुआत कर सकते हैं, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, लेकिन धीरे 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 आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जितना जल्दी हील करे, इस मेडिटेशन के टाइम पीरियड को आप उतना ज्यादा बढ़ा करते रहिए। मेडिटेशन करने का सिंपल जो तरीका है, जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, वो है ऑब्जर्व करना। मतलब जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूं, तो मैं आंखें बंद करता हूं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना है, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 5 डिफरेंट आवाजें सुनने की कोशिश करता हूं कि मेरे आसपास से 5 कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, और मैं उनको एक एक करके सुनने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर मैं बैठा हूं, तो मैं देख रहा हूं, एक आवाज मेरे को एसी की आवाज आ रही है, एक मेरे को बाहर किसी सब्जी वाले की आवाज आ रही है, मुझे बर्ड्स की आवाज आ रही है। तो मैं ऐसी 5 आवाजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। तो ये मेडिटेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दिल की धड़कनों पर भी फोकस कर सकते हैं, इसके अलावा ब्रीदिंग कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो कोई भी मेडिटेशन की जो टेक्निक है, आप वो इसको यूज कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जब
जब ये मेडिटेशन की टेक्निक पूरी होगी तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा और आपका चीजों पर कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगेगा। ये सिंपल से चार स्टेप हैं, बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से शायद मैंने बता भी दिया आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन चार स्टेप में बहुत कुछ बदलने की पावर है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं प्लेसिबो के ऊपर, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के ऊपर कि हेल्थ की रिकवरी कैसे होती है। तो अगर आप इस पर कोई किताब भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़ो द प्लेसिबो इफेक्ट की एक किताब है, वो किताब पढ़ो, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। इसके अलावा आप द सीक्रेट पढ़ो। जब आप ये तीनों किताबों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार आप कुछ भी हील कर सकते हो। ये जब आप किताबें, तीन चार किताबें जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं अपनी दिमाग की पावर से, अपने माइंड की पावर से, अपने सबकॉन्शियस की पावर से कुछ भी रिपेयर कर सकता हूं, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको खुद को है तो ये आप प्रोसेस फॉलो करो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए किसी और को मदद करना चाहते हो तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो ताकि वो खुद ये सारे के सारे स्टेप्स कर सके। बहुत सारे लोग आई एम श्योर डेफिनेटली पूछेंगे कि क्या ये प्रैक्टिस आप किसी और के लिए कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लेकिन अगर वो इंसान खुद करेगा तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये थी वो टेक्निक जिसके, ये प्रोसेस वाइज कि जिसके जरिए आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं और दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्शन लेते रहिए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कीजिए, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, उससे पूछिए कि क्या क्या चीज़ें उसे करने की ज़रूरत है, कौन सी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है क्या, कोई मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है क्या। तो जो जो वो सजेशन दे रहे हैं उसको भी इंकल्केट कीजिए, उसको भी इंक्लूड कीजिए इस पूरे रूटीन में और आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत धीरे 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 बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है। और अगर आपको कभी भी प्लेसिबो इफेक्ट या सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग के बाद आपको हेल्थ में कोई भी इंप्रूवमेंट महसूस हुई है, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो मैंने आपको बताया, अगर आपको बहुत मदद मिले तो उसके बाद जब भी मदद मिलेगी मुझे कमेंट करके बताना। और तो जल्दी मिलता हूं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। आई एम श्योर आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड हेल्थ। टेक केयर।